एसबीआई लाइफ का एक ऐसा पॉलिसी जिसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के साथ मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ भी मिलता है। इस पॉलिसी में पॉलिसी धारक की मृत्यु दुर्घटना में होने पर नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का लाभ मिलता है और मृत्यु नहीं होने की स्थिति में पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ मिलता है। एसबीआई लाइफ के इस प्लान में पॉलिसी होल्डर को सिर्फ एक ही बार प्रीमियम जमा करना होता है। तो आइए जानते हैं इस पॉलिसी में कितना प्रीमियम जमा करने पर सम एश्योर्ड कितना मिलता है और मैच्योरिटी बेनिफिट कितना मिलता है। एसबीआई लाइफ का स्मार्ट वेल्थ एश्योर्ड यह एक यूनिट लिंक्ड प्लान है। इसमें एक ही बार प्रीमियम जमा करना होता है और इसमें लाइफ कवर भी मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। इस प्लान में पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी बेनिफिट का फायदा भी मिलता है, जिसमें पॉलिसी अवधि पूरा होने के बाद पॉलिसी होल्डर को एक निर्धारित रकम दिया जाता है। इस प्लान में पॉलिसी होल्डर को डेथ बेनिफिट का फायदा भी मिलता है, यानी पॉलिसी लेने के बाद यदि पॉलिसी होल्डर का मृत्यु दुर्घटना में हो जाता है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड दिया जाता है। इस प्लान में टैक्स बेनिफिट और फ्री लुक पीरियड का भी फायदा मिलता है, यानी पॉलिसी लेने के बाद यदि पॉलिसी धारक को यह प्लान पसंद नहीं आता है तो वह इस प्लान को 15 से 30 दिनों के अंदर बंद करके रकम वापस ले सकता है। एसबीआई लाइफ के इस प्लान में पॉलिसी होल्डर को सरेंडर वैल्यू भी दिया जाता है, यानी इस पॉलिसी को लेने के बाद और उसका 5 किस्त जमा करने के बाद यदि पॉलिसी होल्डर किसी कारण से इस पॉलिसी को बंद करके रकम वापस लेना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। पॉलिसी सरेंडर करने के बाद पॉलिसी होल्डर द्वारा जमा किया गया कुल प्रीमियम का 4% ब्याज के साथ रकम जोड़कर वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ सर्विस चार्ज काट लिया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए पॉलिसी होल्डर का न्यूनतम उम्र 8 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र 60 वर्ष होना चाहिए, यानी यह प्लान 8 वर्ष के बालक के लिए भी लिया जा सकता है और 60 वर्ष का व्यक्ति के लिए भी लिया जा सकता है। 8 वर्ष से कम उम्र के लोग और 60 वर्ष से ऊपर के लोग इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। वहीं मैच्योरिटी के समय पॉलिसी होल्डर का न्यूनतम उम्र 70 वर्ष होना चाहिए। इसका कम से कम प्रीमियम 50,000 रुपये है और अधिकतम प्रीमियम का कोई सीमा नहीं है। इसका प्रीमियम मोड सिंगल है, यानी पॉलिसी होल्डर को इस प्लान में एक ही बार रकम जमा करना होता है। इस प्लान का पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 वर्ष है और अधिकतम 30 वर्ष है, यानी पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी का पॉलिसी टर्म 10 वर्ष और 30 वर्ष के बीच में से चयन कर सकता है। वहीं इसका बेसिक सम एश्योर्ड जमा किया गया प्रीमियम का 1.25 गुने है। इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ऑप्शन मिनिमम 18 वर्ष है और अधिकतम 60 वर्ष है, जिसका मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 वर्ष है और मिनिमम सम एश्योर्ड 25,000 रुपया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50,00,000 रुपया है। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यदि पॉलिसी होल्डर का उम्र 30 वर्ष है और वह एसबीआई का कर्मचारी नहीं है, पॉलिसी टर्म 15 से 30 वर्ष निर्धारित किया है, उसमें हम 15 वर्ष सेलेक्ट करते हैं, यानी पॉलिसी टर्म 15 वर्ष है, प्रीमियम अमाउंट 50,000 रुपया है, सम एश्योर्ड मल्टीप्लायर फैक्टर 1.1 है और पूरा रकम हम इक्विटी फंड में लगाते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट पर क्लिक लगा देते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो सामने आया है उसके अनुसार सम एश्योर्ड 62,500 रुपया है, सिंगल प्रीमियम फ्रीक्वेंसी 50,000 रुपया है, यानी पॉलिसी होल्डर को सिर्फ एक बार 50,000 रुपया जमा करना। प्रीमियम पेमेंट टर्म सिंगल है, यानी पॉलिसी होल्डर को सिर्फ एक बार रकम जमा करना है और पॉलिसी टर्म 15 वर्ष है। इसका मैच्योरिटी बेनिफिट यदि ब्याज दर 4% का होता है तो 63,608 रुपया होगा और यदि ब्याज दर 8% का रहता है तो 113,099 रुपया होगा। और यदि हम 1,00,000 रुपये के लिए लेते हैं तो उसका सम एश्योर्ड 1,25,000 रुपये होगा, सिंगल प्रीमियम 1,00,000 रुपया होगा और पॉलिसी टर्म 15 वर्ष है। तो पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी बेनिफिट यदि ब्याज दर 4% का रहता है तो 1,31,844 रुपया होगा और यदि ब्याज दर 8% का रहता है तो 2,33,461 रुपया होगा। इस तरह से एसबीआई लाइफ के इस प्लान में पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड के साथ मैच्योरिटी बेनिफिट का फायदा मिल जाता है। किसी भी प्लान में रकम निवेश करने से पहले उस प्लान के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद ही निवेश करें, क्योंकि समय के साथ साथ इस तरह के प्लान में बदलाव होते रहता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।